35 कंट्रीज ने कहा है कि हमने इंडियंस को जब से वीजा फ्री एंट्री दी है तब से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हो। तो खैर एक हमारा एक इंटरनेशनली हमारा एक बिहेवियर ऐसा हो गया है कि लोग हमें समझते हैं कि हम हैं ही दहशतगर्द, क्योंकि हमसे फिर भी बेहतर कंडीशन इंडिया की है। इंडिया के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जितनी हमारे ऊपर। जितने भी कंट्रीज होते हैं हमारे वो सारे के सारे इंडियन को प्रेफर करते हैं, पाकिस्तान को प्रेफर नहीं करते। इवन मैं उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ यूएई की। यूएई में जैसे ही पाकिस्तान नहीं जाता तो उसको इस तरह ट्रीट किया था जैसे कोई टेररिस्ट आ रहा है। ठीक है, हम लोग अपनी रिस्पेक्ट खुद भूल गए हैं, दैट वाज द मेन पॉइंट। शायद गुलामी में इतना चले गए हैं कि हमारा अपने लिए स्टैंड लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। कहते हैं कि हमारा उनके साथ कॉम्पिटिशन है ही नहीं है। इंडियन तो क्लेम करते हैं हमारा कॉम्पिटिशन चाइना, अमेरिका और दूसरे रशिया के साथ है। पाकिस्तान एक छोटा सा कंट्री है जो बैगर है हमने से, उसको चंदा चुका डोनेशन वो देनी है, उस लेवल पे रखना है। अमेरिका इंडिया का दोस्त है, उन्होंने इंडिया ने अमेरिका को अपना दोस्त बना लिया, हमने क्यों नहीं बनाया आज तक? क्योंकि वो गैर मुस्लिम है, हम मुसलमान है, इसलिए नहीं शायद हमारी बनती होगी। अच्छा, तो हमने मुसलमानों से दोस्ती कर लेनी थी, हमें तो आज दुबई भी नहीं मुंह लगा रहा, सऊदी भी नहीं मुंह लगा रहा। कौन मुंह लगाएगा, वो तो यही चाहते हैं कि ये मांगने के। क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी वीजा फ्री एंट्री पे मुस्लिम कंट्रीज में नहीं जा सकते, क्यों? उसकी वजह पाकिस्तान के अपने हालात हैं। हम इकोनॉमिकली इतने कमजोर हैं कि कोई भी हमें हमारे पे भरोसा नहीं करता, और सबको यही लगता है कि ये जो आएंगे, क्योंकि इनके पास फाइनेंशियली ये लोग साउंड नहीं है, तो ये आएंगे यहाँ आके रुक जाएंगे, इलीगली जॉब करेंगे, क्राइम करेंगे दूसरे, इस वजह से ये लोग होता ये है कि नॉर्मली वो लोग पाकिस्तान के लिए रिस्ट्रिक्ट। आप देखें कि हमसे फिर भी बेहतर कंडीशन इंडिया की है, इंडिया के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जितनी हमारे ऊपर है। तो उसकी वजह बेसिकली क्या है, हमारी इकोनॉमी वो 300 अरब डॉलर पे खड़ा हुआ है, वो 300 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, हमारी 100 अरब की भी नहीं है। तो हम अपने आप को 70 सालों में मनवा ही नहीं सके। सर, ईरान ने इंडिया के लिए कल वीजा फ्री एंट्री का ऐलान कर दिया। बिल्कुल किया होगा, बिल्कुल किया होगा। आप देखिए, ईरान वो मुल्क है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, कल उनकी एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया और ईरानोफोबिया जो कि ईरान के अंदर बहुत ज्यादा आ गया था, उस चीज को निकालने के लिए दे दिया है। और उसके अलावा 35 कंट्रीज ने कहा है कि हमने इंडियंस को जब से वीजा फ्री एंट्री दी है तब से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ होने लगी है, जब वहाँ के लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। अगर हम पाकिस्तानियों को ऐसा करते तो हमारा मुल्क नाम हो जाता, जलील हो जाता। हम एक तो बेसिकली ये भी आपकी बात सही है कि ये जो धब्बा लगा हुआ है हमारे ऊपर ये दहशतगर्दी का, ये बेसिकली मुसलमानों पे ज्यादा लगा है, और हम इंडियंस पे चले जाएं, अगर वो अपने मुल्क में जो मर्जी कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं या अपने हिंदुओं के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन उनका वो बदनामी, उनको वो नहीं एक्सपोज हुई दुनिया में जितने हम बदनाम। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये तो खैर एक हमारा एक इंटरनेशनली हमारा एक बिहेवियर ऐसा हो गया है कि लोग हमें समझते हैं कि हम हैं ही दहशतगर्द। तो इस वजह से हम जो ज़्यादातर ममालिक हैं वो हमें एंटरटेन नहीं करते। अगर देखें ना, अगर हम देखें तो आपने कहा है कि हमें पोर्ट्रेट किया गया दहशतगर्द, हमने हरकतें ऐसी की तो ऐसा है ना। अब देखें, अब जब हम बाहर जाते हैं, दुबई में जाते हैं तो भीख मांगने लग जाते हैं पाकिस्तानी, इवन दुबई में, सऊदी में क्राइम रेट में सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों की लिस्ट है, हिंदुस्तानी नहीं है, तो फिर दुनिया तो कहेगी हिंदुस्तानी अच्छे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप बल्कि अगर आईटी में चले जाएं तो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो यंग जनरेशन काम कर रही है आईटी में वो इंडियंस है, और दे आर मोस्ट पॉपुलर, दे आर मोर सक्सेसफुल। हमारे पाकिस्तानी को कहीं इतना एक्सपोजर आईटी में, मैं ये नहीं समझता कि हम पाकिस्तानी को इतने आईटी में कोई वीक हैं या हम नहीं कर सकते, मेरा ख्याल है कर सकते हैं, लेकिन हम पता नहीं हम उस तरह से हाईलाइट होते ही नहीं। अगर लेकिन हमारे यहाँ के मौलाना कहते हैं टेक्नोलॉजी, जो आप पहले कहते थे टेक्नोलॉजी हराम है, अब कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का क्या करना है, जहाज करना चाहिए। फिर कहते हैं कि अगर इंडिया चांद पे चला गया तो हम जन्नत पे जाएंगे। हमारे यूथ को तो सिखाया ही कुछ और जा रहा है ना, वो चांद पे गए तो हम मान नहीं रहे थे, हम कहते हैं कि हम तो जन्नत में जाएंगे। देखिए, हमारा जो मजहब है ना वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना बनाया जाता है, और मैं समझता हूँ कि हमारे मजहब में तो बड़ी चीजें लिबरल हैं। कि आज अगर हम देखें तो इंडियंस मच बेटर देन पाकिस्तानी हो गए, जो आज दुनिया जो है उनकी तारीफें कर रही है। ऐसा है, किस लिहाज से हम कैसे मान लें? उनकी एजुकेशन, उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क, जो उनका क्वालिटी ऑफ वर्क है वो हमसे बेहतर है, सही बात है। और वेजेस भी हमारे, हम एक तो
पैसे भी मांगते हैं तो हम 100 रुपए का 1000 रुपया मांगेंगे, और वो ऐसा नहीं करते। तो उनकी लेबर भी उनकी चीप है, और फिर प्लस ये कि वो बड़े डिवोटेड है अपने काम के साथ। अगर आईटी में है, किसी भी फील्ड में है, वो डिवोटेड अपने फील्ड पे। ये तो हम यही समझेंगे कि साजिश है। किसकी साजिश है? जो गैर मुस्लिम लोग है वो जा सकते हैं, मुसलमान लोग हम दूसरे मुसलमानों मुल्क में नहीं जा सकते, तो जहरी गल फिर ये अमेरिका की है, अमेरिका की साजिश है। अमेरिका हमारा दोस्त नहीं था? मुझे तो नहीं लगता, ये दोस्त होता तो हमारे हालात कभी भी ना ऐसे होते। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा अगर इंडियंस जा सकते हैं तो क्या इंडियंस की कोई और वजूहत है या अमेरिका इंडिया का दोस्त है? अमेरिका इंडिया का दोस्त है, उन्होंने इंडिया ने अमेरिका को अपना दोस्त बना लिया, हमने क्यों नहीं बनाया आज तक? क्योंकि वो गैर मुस्लिम है, हम मुसलमान है, इसलिए नहीं शायद हमारी बनती होगी। अच्छा, तो हमने मुसलमानों से दोस्ती कर लेनी थी, हमें तो आज दुबई भी नहीं मुंह लगा रहा, सऊदी भी नहीं मुंह लगा रहा, ईरान इराक ईरान कोई भी नहीं मुंह लगा रहा, फिर हम मुसलमान। हमारे हुक्मरान ही ऐसे है, हमारी आवाम भीख मांगने वाली होगी है। अच्छा। ठीक है, तो हमने किसी से क्या, हमें कौन मुंह लगाएगा, वो तो यही चाहते है कि ये मांगने के लिए आए हुए। तो सर हमें अपनी हरकतें सही करनी है ना, अमेरिका इंडिया को क्यों हम ब्लेम कर रहे हैं, हम ना मांगे वो ना हमें कुछ कहें। ये तो बड़ों को पता है कि जैसे मुल्क बना हुआ आज तक ये शुरू से यही काम चल रहा है, तो जो बड़े करते हैं वही छोटे करेंगे। तो इंडिया अच्छा हुआ ना, इंडिया मांगने नहीं जाता, इंडिया देने जाता है, इंडिया देने जाता है, इसीलिए तो उसको वो सपोर्ट करते हैं, इज्जत है ना पूरी दुनिया जी। असल में सबसे बड़ी बात जो है ईरान की, अगर देखे तो शुरू से ही पाकिस्तान का के साथ उनका कंपेरिजन नहीं बनता है, वो ये इंडियन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, और सेकेंडली अगर देखा जाए तो जितने भी कंट्रीज होते हैं हमारे, वो सारे के सारे इंडियन को प्रेफर करते हैं, पाकिस्तान को प्रेफर नहीं करते। इवन मैं उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ यूएई की, यूएई में जैसे ही पाकिस्तान नहीं जाता तो उसको इस तरह ट्रीट किया था जैसे कोई टेररिस्ट आ रहा है। ठीक है, हम लोग अपनी रिस्पेक्ट खुद भूल गए हैं, दैट वाज द मेन पॉइंट। अगर हमारे जो मैनेजमेंट है, हमारे कंट्री की जो मैनेजमेंट है, अगर वो हमारे हमारी जो है इसकी देखें कि वो कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं अपने मुल्क को, अपने आप को, तो देन हमारे उनके जो अवाम है उनको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो दैट वाज द पॉइंट, सिंपल सा है कि अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है तो अपना पूरी ड्रेस उतार के अपना इंटरव्यू अपना करवाता है, तलाशी देता है, तो आफ्टर दैट देखा जाएगा ना वाम के साथ क्या ट्रीट करना है। तो सिंपल सी बात, जब वजीर आजम इस तरह ट्रीट हो रहा है तो हम भी तो ऐसे ही ट्रीट होंगे ना। सही बात है, और मोदी जाए तो कारपेट बिछाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है ना, वो इकोनॉमी बड़ी है, हम लोग तो बेकारी है ना, बैगर्स आर नॉट चूजर्स, मार्केट है बेसिकली, वो बड़ी मार्केट है। अभी देखिए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया और कहा है कि इस्लामोफोबिया और ईरानोफोबिया जो कि कन्वर्ट हुआ था ईरान के अंदर, ईरान के अंदर जो चीजें थी उसको खत्म करने के लिए हमने इंडियंस की वीजा फ्री एंट्री किया ताकि वो हमारे मुल्क में आएंगे और ग्रोथ बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। अब दूसरी जानी 35 कंट्रीज ने, जिन्होंने 35 मुल्कों ने इंडिया को वीजा फ्री दिया था, उन्होंने ये एक बात स्टेटमेंट दी कि जब हमने इंडिया को वीजा फ्री एंट्री दी तो हमारे मुल्क के अंदर जब टूरिज्म आया, टूरिस्ट आए, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट अच्छी हो गई, ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानियों को देते तो हमारा मुल्क बर्बाद हो जाता। क्या समझते हैं इस पे? मैं सिंपल सी एक बात इतनी देता हूँ कि वो पहले देखे मार्केट कितनी बड़ी है, पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो कितना है, इंडिया का जीडीपी कितना है, तो जाहिर है इंडिया का जीडीपी ह्यूज अमाउंट है पाकिस्तान के मुकाबले, पाकिस्तान का उसके बिल्कुल लिटिल बिट है ना, जब एक लिटिल बिट को आप कंपेयर करेंगे तो कुछ भी, तो हर एक ने बड़ी मार्केट को फोकस करना है ना। तो सर जब पाकिस्तानी जब जाते हैं तो भीख मांगते हैं, पाकिस्तानी जब जाते हैं तो जॉब ढूंढते हैं, इंडियंस जब जाते हैं तो वो बीवी बच्चों के साथ जाके वहाँ शॉपिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो फर्क तो आ गया। नहीं, मैं बताता हूँ, इंडियंस भी जॉब करते हैं, पाकिस्तानी भी जॉब करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे यूए में चले जाए, पाकिस्तानी की तादाद बहुत कम है, इंडियंस की नस्बत हर डिपार्टमेंट में इंडियंस आगे है, हर डिपार्टमेंट में इंडियंस आगे, आईटी में देखे सबसे ज्यादा इंडियन है, पाकिस्तानी खुद सबसे पहले लेग पुलिंग करते हैं। मैं एग्जैक्ट की एग्जांपल देता हूँ, एग्जैक्ट इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ पाकिस्तान जो उसने जो आईटी की जो थी आईटी का पाकिस्तान में लेके आया और पूरी दुनिया से बिजनेस कैप्चर किया, और पूरा बिजनेस आईटी का, जैसे ही जियो का तकलीफ हुई इसको देख के, जियो ने भोल के नाम से उसका बेड़ा गर्क किया और अपने ही मुल्क का खाना खड़ा, सारे की सारी आईटी इंडस्ट्री जाके इंडिया में बैठ गई है। तो पाकिस्तानी अपनी ही लेग पुलिंग कर रहे होते हैं अपनी मोनोपोली के लिए, जब अपनी ही लेग पुलिंग कर लेंगे तो फिर दूसरे तो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो दैट वाज अ पॉइंट, पाकिस्तान को कौन प्रेफर करेगा? अभी आप देखे ना, हर जगह से इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर जा रही है, पाकिस्तानी भी अगर हम कहते हैं आईटी आईटी आईटी, तो आप बताइए इंडिया आईटी में आ गए या पाकिस्तान आए? बेसिकली उन्होंने फोकस किया और जनरेट किया है, बेसिकली उन्होंने फोकस किया और जनरेट किया है, जिसकी वजह से उन्होंने टाइम दिया इस चीज को, उसकी बेस पे जो है ना उनकी मार्केट बनी है। सही बात है, आप आईटी में काम कर रहे हैं, कौन आ गया पाकिस्तान या इंडिया? ऑब्वियसली इंडिया लीड कर रहा है, थर्ड फोर्थ बंदा जो आईटी का है उनका। सही बात है, कभी अट्रैक्शन हुए इंडियंस के साथ? हाँ, होती रहती, माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म पे होती रहती इंडियंस के साथ, कोऑपरेटिव है,
लेकिन अगर नॉलेज में देखा जाए तो फिर वो थोड़ी देर बाद जब हम वर्किंग करते हैं तो फिर वो बैठ जाते हैं, फिर देन वो कहते हैं अच्छा ये है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक दोस्त है बोरजान में जॉब करते हैं, जब वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट का ये इस तरह करना है तो वो ऐसे सर पकड़ के अच्छा लेट मी टेक सम टाइम आई विल वर्क आफ्टर अपडेट यू। लेकिन पाकिस्तानी जब इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं तो पहले होमवर्क करके रेडी होते हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं पाकिस्तान की तारीफ कर रहा हूँ, ये रियलिटी है। लेकिन वो लीड कर रहे हैं दुनिया को, क्योंकि उनको आगे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हम लोग अपनी टांगे खुद खींच रहे हैं ना, हमें अपॉर्चुनिटी कोई देता नहीं है। पाकिस्तानी अपने ही लेग पुलिंग करते हैं, यही पता है प्रॉब्लम ही यहाँ पे आती है कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर सपोर्ट नहीं करते बल्कि दूसरे को पुल बैक कर रहे होते हैं। जिस तरह से मुस्लिम कंट्रीज ने डायवर्शन की है इंडिया की तरफ, झुकाव किया है, हर कंट्री उठ के इंडिया में जाता है, इन्वेस्ट करता है, उनके साथ ट्रेड करता है, जिस तरह से भी सब कुछ हो रहा है, क्या आपको लगता है हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? हम वो सिंपल सा कहते हैं कि हमारा उनके साथ कॉम्पिटिशन है ही नहीं है। इंडियन तो क्लेम करते हैं हमारा कॉम्पिटिशन चाइना, अमेरिका और दूसरे रशिया के साथ है। पाकिस्तान एक छोटा सा कंट्री है जो बैगर है हमने से, उसको चंदा सुकात डोनेशन वो देनी है, उस लेवल पे रखना है। सही कह रहे हैं ये, पाकिस्तान भिखारी मुल्क है बेटा, वो सही कह रहे हैं। अच्छा, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सामने देखिएगा, नहीं मैं सामने कैमरे में नहीं आ सकता। नहीं 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 नहीं, चले चले जरे फौजी पीछे पाए होना। देखिए यहाँ पर हमारे इतने बुजुर्ग जो है वो भी डर रहे हैं। क्या करे, किसी की रिस्पेक्ट तो सेव नहीं है, जो वर्ड बोलेगा जाएगा उसको बंदा पकड़ा जाएगा, तो क्या करेंगे एक बंदा। ज्यादा तो फिर आजाद इंडियंस हुए ना, वहाँ पे खुल के बोलते हैं, मोदी जिंदाबाद, मुर्दी मुर्दाबाद, जो जिसका दिल करता है वो नारा लगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे सुनना नहीं चाहते, कोई सुनना नहीं चाहते, अगर कोई रियलिटी बताता है तो वो फिर नजर नहीं आता। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हमारी मुस्लिम कंट्रीज जो आपस में एक जगह प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठ पा रही ना, असल इशू ये है। क्योंकि हम जो है शायद गुलामी में इतना चले गए हैं कि हमारा अपने लिए स्टैंड लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। आप किसी भी एंगल से देख लें कि हम किसी भी कोई नज़रिए से अगर कोई बात की जाए, अब चाहे वो पॉजिटिव ही हो, हम उसको एक तो नेगेटिव लेते हैं। हमारा ये लेवल ये हो चुका हुआ है कि चलें वो लेवल उनका, उनकी बात तो अलग है जो हमारे हुक्मरान हैं, अगर निचला लेवल भी देखा जाए वो भी इस चीज़ को पॉजिटिव नहीं ले रहे। तो इस चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए और इस चीज़ को, जैसे हमारे पास एक पावर है सोशल मीडिया की, बेशक हमारे पास अगर सीट्स नहीं अवेलेबल नहीं है हम इक्तदार में नहीं जा सकते, कम से कम सोशल मीडिया पे इस बारे में जो भी कैंपेन चलती है वो हमेशा उसको कुछ ना कुछ असर रखती है। तो जैसे आपने बात की, इस बारे में बिल्कुल बात होनी चाहिए और बिल्कुल आप इसको इस चीज़ को उठाएँ। जी ठीक है, इस चीज़ को उठाएँ तो ज़रूर इस बारे में हम भी बात करेंगे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। उनका कहना है कि ईरान के अंदर जो ईरानोफोबिया, मतलब जो इस्लाम और ये सब चीजों को बहुत ज्यादा डीपली कर गया था, ईरानोफोबिया बन गया था, उस चीज को खत्म करने के लिए हमने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री दी ताकि वो यहाँ आए, उनका कल्चर जो है हमें पसंद भी है, उनके कल्चर में हमारे भी यहाँ पे आना जाना हो और हमारी ग्रोथ भी बढ़ेगी, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी जब टूरिज्म आएगा। तो अब इसके साथ साथ 35 मुल्कों ने कह दिया कि जब से हमने इंडिया को वीजा फ्री किया है हमारा मुल्क जो है वो तो टूरिज्म पे इतना आगे चला कि ग्रोथ बढ़ गई है। ऑन द अदर हैंड हम पाकिस्तान को करते तो शायद पाकिस्तान यहाँ आके पाकिस्तानी हमारे मुल्क को बर्बाद कर देते। सर क्या समझते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? नहीं देखिए ना, आप टूरिज्म की आपने बात की, वो तो लाजिम बात है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है। इकोनॉमी स्ट्रांग करने के लिए वो हर चीज को देखते हैं कि किस किस जगह से उनको इकोनॉमी उनकी स्ट्रांग हो सकती है। अब उन्होंने टूरिज्म को देख लिया, हमारे यहाँ अगर टूरिज्म को ही देखा जाए, मैं आपकी क्वेश्चन से थोड़ा सा हट रहा हूँ, मतलब टूरिज्म को देख रहे थे पाकिस्तान में, क्योंकि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी घुमा हूँ, पूरा तो नहीं देख सका, बहरहाल बहुत जगह हम कजन्स के साथ, हमारे ग्रुप है जो हम ट्रैकिंग करते हैं, जहाँ पे लोग नहीं जाते हमारा वहाँ पे जाना होता है। जो कि पाकिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क होने के बावजूद अल्लाह पाक ने इसको इतनी ज्यादा खूबसूरती दी है, यहाँ पे टूरिज्म को सपोर्ट नहीं किया जाता। किस लिए नहीं किया जाता? एक जाती मुफाद के लिए, क्योंकि जाती मुफाद है, जहाँ पे मुफाद आएगा सिर्फ वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट या जो हम जैसे लोग भी सिर्फ वहाँ पे ही इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जब आपने कहा है कि इतना प्यारा मुल्क है, हर चीज है यहाँ पर, लेकिन जब बाहर से कोई आता है तो उससे वो रिलैक्समेंट नहीं मिलती। अब देखे ना, हमारे यहाँ पर नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं तो वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव माइंड के, अब दूसरी जानब इंडिया के कश्मीर में चले जाएं तो वहां पर शेख भी आए, मतलब अपने लिबास में, फॉरनर भी आए यूके के, कैनेडा के अपने लिबास में, तो मतलब वहां पे उस चीज को कंजर्वेटिव नहीं देखा जाता। वो इतना ज्यादा लिबरलिज्म हो गया है कि वो कहते हैं कि जो आता है उसको उसके कल्चर के मुताबिक ही देखो, फिर खुद ब खुद वो डाइवर्ट होते हैं इंडियन कल्चर में। आप किसी हद तक ठीक कह रही है और मैं इस बात से इतफाक भी नहीं करूंगा आपकी, क्योंकि मैं खुद काफी घूम चुका हूं और मैंने बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे फॉरनर्स देखे हैं और मैं वहां के जो मुकामी लोग हैं उनसे मैंने इंफॉर्मेशन भी ली कि ये कब एक्सप्लोर हुआ।
जैसे नांगा पर्वत हो गया है, जो भी बड़ी बड़ी माउंटेन्स है इसको देखते रहे कि ये कब एक्सप्लोर हुआ। वो हमें बता रहे थे कि जब ये जीप ट्रैक्स नहीं थे तब गोरे आते थे, तब उनके यानी के जो गोरे और गोरियां आती थी वो इसको करने के लिए, मतलब जब जीप ट्रैक्स नहीं थे तब वो वहां पे नांगा पर्वत को देखने जा रहे हैं या अंदर जो भी कोई पासिस करने जा रहे हैं, अगर वहां पे इनको वो अपने आप को सिक्योर महसूस करते थे तो नेक्स्ट टाइम कोई आता था ना। अब क्यों नहीं मतलब इस चीज के बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसकी शायद आप ये कह लें अवेयरनेस नहीं दी जा रही, इस चीज के अगेंस्ट इतनी ज्यादा बात की जा रही है टूरिज्म को खत्म करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट को खत्म किया गया, मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ टूरिज्म को भी खत्म किया जा रहा है। जो थोड़ा बहुत ये क्रिकेट को तो किसी बहुत बड़े प्री प्लान के थ्रू खत्म किया गया ना, यहाँ की टूरिज्म को कैसे खत्म किया गया, यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुए, यहाँ के हालात खराब हुए, वहां से टूरिज्म को नुकसान हुआ। असल मसला ये नहीं है कि वो उनका कल्चर कैसा है, वो कैसे ड्रेसिंग कर रहे हैं, असल मसला ये है कि हमारे यहाँ यहाँ पे अगर आना चाहें टूरिस्ट आना चाहें, फॉरनर्स आना चाहें, उनको फैसिलिटेट गवर्नमेंट करेगी। सर जब यहाँ से पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो वो ऐसी हरकतें करते हैं, वो कहते हैं कि भाई बैन, वीजा बैन, विजिट वीजा बैन, 24 सिटीज बैन, मतलब दुबई ने 24 सिटीज बैन की, वीजा बैन कर देते, क्या 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 हरकतें करते हैं, इंडिया क्यों नहीं करता ऐसा? नहीं वो देख लेना, बैन जो है ना इसमें तो कोई शक नहीं है, बदनाम तो है, हम बदनाम यहाँ भी है, बदनाम हम वहाँ भी है, बदनाम तो हर जगह ही है, पर ये है जहाँ पे कुछ बुरे लोग भी हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं। हम नेगेटिविटी को दिखाते हैं, पॉजिटिविटी को नहीं दिखाते। अभी एक उसका इंटरव्यू चल रहा था, एक क्रिकेटर है इंडिया का, उसका गौतम गंभीर का, अच्छा। वो उसने इतनी जबरदस्त बात की अपने चैनल पे, वो बैठ के वो कह रहा था कि हम पॉजिटिव चीजें क्यों नहीं दिखाते, नेगेटिव चीज दिखाते कि जी मेरी शाहिद अफरीदी के साथ लड़ाई हुई, मेरी वहां पे लड़ाई हुई। वो ये कह रहा है इंडियन जो आदमी वो बैठ के कह रहा है कि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इनके साथ, हम आफ्टर मैच बड़े अच्छे उनके साथ करते हैं, पर मतलब ये देखे ना हम पॉजिटिव चीज ना देखना चाहते हैं ना दिखाना चाहते हैं। दिखाएंगे तो दोस्ती ना हो जाए। सर मैं तो ये कह रहा हूँ ना, हम दिखाना भी नहीं चाहते, तो इसीलिए अब बस जाते जाते इंडियंस जो हमें देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप उनको क्या मैसेज देंगे बीइंग अ पाकिस्तानी? नहीं बीइंग अ पाकिस्तानी मैं तो इंडियंस को ये कहूंगा, इंडियंस को नहीं मैं तो पूरे दुनिया को मैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो अगर वहां पे आ गए ना पाकिस्तानी तो आप थोड़े से बैक थोड़े से अपने आप को ना खींच लेंगे, आप पहले उसको पहचाने तो सही।